चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनल इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। जब हमारे ब्लड में एड्रेनल जो कि एक वो ये क्या है, एड्रेनल एक हार्मोन है, और हार्मोन में आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 में बता चुका हूँ क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है एक तरीके का, तो एड्रेनल ये हार्मोन का नाम है। तो ये जब हमारा सिक्रेट होता है मतलब कि रिलीज होता है ब्लड के अंदर, तो हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले बताओ एड्रेनल हॉर्मोन्स कौन सा ऑर्गन या कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, इसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, तो ये ग्लैंड हमारा एड्रेनल हार्मोन रिलीज करता है, तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। भाई देखो होता क्या है कि एड्रेनल हार्मोन हमारी ब्लड में एंटर करता है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। ये ब्लड में एंटर करता है और ये ब्लड में एंटर हो गया हमारा ये हॉर्मोन्स, ठीक है, एड्रेनल नाम का, ये ब्लड में एंटर हो गया और ब्लड इसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे ले जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी हर जगह ले जाता है, समझो बात को। ये पूछ रहा है ना कैसे हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, तो पूरा प्रोसेस सोचो। इसने इस एड्रेनल ग्लैंड ने ये हार्मोन रिलीज किया, सिक्रेट किया, ये हार्मोन ब्लड में गया, ब्लड इसको डिफरेंट, ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में, तो ब्लड इसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ले गया, और ये जैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में गया तो अलग अलग चीजें हुई। भाई अलग अलग चीजें कैसे हुई, ऐसे हुई कि एड्रेनल होता क्यों है, हम ये इंग्लिश में भी वर्ड यूज करते हैं, हमें यार एड्रेनल रश आ गया, रश आ गया मतलब एकदम से कोई अगर हम डेंजर देखते हैं या हमें लगता है कोई खतरा है तो हमारी एकदम बॉडी हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, तो होता क्या है कि हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जैसे एड्रेनल ये हॉर्मोन्स हमारे ब्लड में एंटर करता है तो हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है, और जैसे हार्ट बीट फास्ट होती है, ब्रीदिंग फास्ट होती है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेस, समझो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ क्या क्या होता है, ठीक, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो जैसे अब इसका दोबारा सुनो, एड्रेनल ग्लैंड ने ये हार्मोन रिलीज किया, ये हार्मोन ब्लड में गया, ब्लड से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में गया, और जैसे ही बॉडी में पहुंचा तो हमारी हार्ट बीट तेज हुई, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हुई, और ब्रीदिंग फास्ट हुई तो ऑक्सीजन का सप्लाई हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गया। और भी चीजें होती है, देखो और एग्जाम्पल और भी क्या क्या होता है, जैसे ये एड्रेनल हार्मोन हमारा रिलीज होता है, और ये कब होता है भी जान लो, जब हमें लगता है कि हम डेंजर में हैं, हमें लगता है ना एकदम कोई खतरा है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, हमें ऐसे कुछ हमें लगता है कि कुछ खतरा है तो हमारा एड्रेनल, हम इंग्लिश में बोलते भी यार एड्रेनल रश आ गया, तो डेंजर वेंजर के सिचुएशन में हम जैसे ही घबराते हैं तो ये एड्रेनल हार्मोन रिलीज हो जाता है, इसलिए हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। और क्या होता है कि जो ब्लड का जो सप्लाई है ना, ब्लड का जो सप्लाई है, सुनते जाओ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे वर्ड्स को सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लड का जो सप्लाई है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के अंदर रिड्यूस हो जाता है, ब्लड का सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के अंदर रिड्यूस हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं जब हम घबरा जाते हैं या डेंजर में होते हैं तो हम कहते हैं ना हमारी स्किन येल्लो हो गई, एकदम कहते हैं ना चेहरा सफेद पड़ गया यार, क्यों, क्योंकि ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो गया तो हमारी स्किन में, तो हमारा चेहरा सफेद पड़ जाता है जब हम घबरा जाते हैं, तो ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी और स्किन में भी ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाता है जब एड्रेनल हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। और हमारी मैंने बताया ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, तो ब्रीथिंग इसलिए फास्ट होती है क्योंकि जो डायफ्रेगम होता है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको काम आएगा, डायफ्रेगम होता है जिससे हम सांस लेते हैं, वो जो डायफ्रेगम की जो मसल होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे श्रिंक, पतली हो जाती है, तो पतली हो जाती है तो हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, तो इस तरह से पूरी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है, अच्छे से समझा दिया पूरा, अब इसको आराम से आप पढ़ के और लिख सकते हो, और ये दो तीन बार सुन लेना वीडियो, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।